फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर का मीन्स होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, इसका मीन्स ये होता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर और इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है हमारा 15। ये रहा एचसीएफ, एचसीएफ कितना है हमारा 15 और एलसीएम कितना है हमारा 315। ठीक है, अब हम फर्स्ट नंबर दिया हुआ है इसमें, ये रहा फर्स्ट नंबर हमारा कितना दिया हुआ है, ये है 105। फर्स्ट नंबर कितना है 105, तो फर्स्ट नंबर के नीचे लिख दिया 105 और सेकंड नंबर पूछा है तो सेकंड नंबर हम निकाल देंगे, सेकंड नंबर को ऐसे ही रहने देंगे। तो 15 × 315, तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 15 × 315 अपॉन 105। अब इसको कट कर लेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 5 4 जा 10, 5 1 जा 5, अब 3 से गया, 3 7 जा 21, फिर 7 से काट लेंगे, 7 4 जा 28, 3 और 5 बचे, 7 5 जा 35, तो सेकंड नंबर क्या आ गया, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 45, सेकंड नंबर कितना आ गया 45। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स आ गया इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और एचसीएफ 15 था, एलसीएम था 315, जब हमने फर्स्ट नंबर था 105, सेकंड नंबर निकालना था उसको एडिटिव छोड़ दिया 15 × 315, ये जो 105 था यहाँ जाकर के डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड में हमने इसको क्लोज करा तो कितना आ गया इसका आंसर 45। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, और जो कल मैंने करवाया था वो आप अदर बच्चों से देख करके देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स मैंने आपको कल बता दिए थे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स दोनों ही फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं, जैसे हमारे 12 है तो 12 के फैक्टर्स कितने होंगे। फैक्टर का मीन्स होता है कि वो किस किस नंबर से क्लॉप्स हो सकता है, तो 1 से भी कट जाएगा 12, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और फिर 12 से कटेगा। तो ये सब क्या होगा इसके फैक्टर्स, ये सब क्या होगा इसके फैक्टर्स, किसके फैक्टर है 12 के, किसके फैक्टर है ये 12 के, और 12 क्या कहलाएगा मल्टीपल, 12 क्या कहलाएगा इनका मल्टीपल। अब इसके बाद देखिए
यस बेटा, बेटा मैं आप लोगों को वीडियो सेंड करूंगा, आप तब देख लीजिएगा आप, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। अब ये देखिए, अब इसमें क्या है आपके, ये मैंने आपको डिफाइंस बताई थी फैक्टर्स की और ये मल्टीपल की, ठीक है? अब हम ये देखेंगे कि ये नंबर किस किस से डिविजिबल होते हैं, किस किस से डिविजिबल होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल अपने आप से और वन से कटते हैं, जैसे फाइव है, फाइव वन से कटेगा और खुद अपने आप से कटेगा फाइव से, ठीक है? ऐसे ही हमारा थ्री है, ऐसे ही हमारा टू है, थ्री है, सेवन है, ये अपने आप से कटेंगे और खुद से कटेंगे, ठीक है? अब देखिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद से कटते हैं और वन से कटते हैं, और इसके अलावा और अदर नंबर से भी कट जाते हैं, जैसे 68 है, 68 टू से भी कट जाएगा, 34 से भी कट जाएगा। तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होंगे, जैसे फाइव है, फाइव के दो फैक्टर होंगे, वन और फाइव, केवल वन से कटेगा और फाइव से कटेगा बस, और किसी से कटेगा ही नहीं। ऐसी थ्री है, थ्री वन से कटेगा और केवल थ्री से कटेगा, इसलिए प्राइम है। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो वन और अपने आप के अलावा अदर से भी कट जाते हैं, जैसे 52 है, टू से भी कट जाएगा, 26 से भी कट जाएगा, फोर से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, वन से भी कट जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से, तो इसमें कंपोजिट नंबर में दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब ये देखिए, ये सारी डिफाइंस आपको नोट भी करनी है अपनी नोटबुक पर, सभी डिफाइंस। फिर है पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हूज डिफरेंस इज टू, ठीक है? पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हूज डिफरेंस इज टू आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स कौन से नंबर कहलाते हैं, जिनमें टू का डिफरेंस हो, जिनमें टू का डिफरेंस हो, जैसे थ्री और फाइव, थ्री और फाइव में कितने का डिफरेंस है, यदि फाइव में से थ्री को माइनस करें तो टू का, कितने का, टू का। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं ट्विन प्राइम्स, ठीक है? ये क्या होते हैं, प्राइम भी होते हैं, और इन और इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, इनके बीच में डिफरेंस होता है टू का, ठीक है? अब है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, प्राइम ट्रिपलेट है ए सेट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हूज डिफरेंस इज टू। प्राइम ट्रिपलेट वो होते हैं, इसमें तीन होते हैं, इसमें तीन नंबर्स होते हैं, तीन प्राइम नंबर्स होंगे जिसमें टू का डिफरेंस होगा, जिसमें टू का डिफरेंस होगा, इस कॉल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट। द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज थ्री फाइव और सेवन, ठीक है? केवल एक ही प्राइम ट्रिपलेट है बेटा, वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए, थ्री कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो प्राइम हो और साथ में उनके बीच में टू का डिफरेंस हो, टू का डिफरेंस हो, तो वो कहलाते हैं प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है? अब देखिए प्राइम ट्रिपलेट, द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज थ्री फाइव सेवन, केवल एक ही प्राइम ट्रिपलेट है थ्री फाइव सेवन, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, फाइव में से थ्री माइनस करेंगे टू और सेवन में से फाइव माइनस करेंगे तो भी टू, ठीक है? इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, टू टू का, तो इसलिए कैसे नंबर्स हैं, प्राइम ट्रिपलेट्स, ठीक है? अब इसके बाद आ गए को प्राइम नंबर्स। को ये सारी डिफाइन नोट करनी है आपको। इसके बाद है को प्राइम नंबर्स, कंसीडर टू नंबर्स 16 और 27। हमने दो नंबर ले लिए 16 और 27। फैक्टर्स ऑफ 16, बेटा आप ध्यान से सुनिए, पहले यार सभी नोट करनी है डिफाइंस ये। अब सभी वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, कंसीडर टू नंबर्स 16 और 27, 16 और 27 में को प्राइम बताने हैं।
तो 16 और 27 में को प्राइम देखने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 16। अब हम 16 के फैक्टर लेंगे, वो क्या है 1, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, 27 के फैक्टर्स लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 27 1, 3, 9 और 27। 27 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा और 27 से भी, इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब को प्राइम ट्रिपलेट में क्या आएगा, देयर आर नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, केवल 1 के अलावा कोई भी फैक्टर मैच नहीं करेगा, कोई भी फैक्टर मैच नहीं करेगा, केवल 1 ही मैच करेगा। जैसे इसमें 1 मैच करा, 10, 16 और 27 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, इसलिए ये दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम। इनके लिए जरूरी नहीं है कि ये प्राइम ही हो, जैसे प्राइम लगा हुआ है इसका मीन्स ये नहीं है कि प्राइम ही होंगे, लेकिन इनके बीच में क्या होगा, कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होगा, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ऑल कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, जितने भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे को प्राइम होते हैं, ऑल कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे को प्राइम होते हैं। इसके बाद आ गया परफेक्ट नंबर, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। यदि इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, यदि हम किसी नंबर के सारे फैक्टर्स को सम करते हैं, इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर, और वो जो सम होगा वो उस नंबर के ट्वाइस के इक्वल होता है, तो देन द नंबर इज ए परफेक्ट नंबर, तो फिर नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कंसीडर ए नंबर 6, हम 6 को देखते हैं, तो 6 में क्या है, फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3, 6, सही है, तो इसके फैक्टर्स कौन से हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए हमारे 1, 2, 3 और 6। अब इसके फैक्टर्स का सम करेंगे हम, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आ गया प्लस करके 2 और 1 3 और 3 6 6 और 6 12 12 आ गया। अब ये क्या होगा, ये जो नंबर है 6 का ट्वाइस होगा, 6 का ट्वाइस क्या होगा, ये 6 का ट्वाइस, इसलिए 6 क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 ट्वाइस ऑफ 6, 10 6 इज ए परफेक्ट नंबर, इसलिए 6 क्या है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3.1 एक्सरसाइज। 3.1 एक्सरसाइज में पूछा है विच वन ऑफ दीज इज ए परफेक्ट नंबर, इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है हमें ये बताना है। ठीक है, इनमें से क्या सा परफेक्ट नंबर है हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये देखिए इनमें से परफेक्ट नंबर बताना है, विच वन ऑफ दीज इज ए परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर की अभी हमने डिफाइन पड़ी थी, इनके फैक्टर्स का सम जो होगा नंबर का डबल होगा। पहले को चेक करते हैं, सबसे पहले पहले को चेक करेंगे, तो 12 से चेक करते हैं, 1 का 8 और 12 फैक्टर्स ऑफ 12, पहले के फैक्टर कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 और 6 और 12। अब इसका सम करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 12, तो हम इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे 18, 18 और 4, 24, 25, 27, 27 और 1, 28, 1 और 2, 3, 4, 10, 10 और 6, 16, 16 और 12, 28, तो 28 क्या है, और इसका ट्वाइस
28 क्या है, 28 इसका डबल नहीं है, अब हम इसका डबल करते हैं, तो 12 × 2 = 24 ट्वाइस ऑफ 12 कितना है 24, तो 28 और 24 दोनों, तो 28 ≠ 24, तो 12 is not a perfect नंबर, ये 12 परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। अब एक मैं ये वाला बता देता हूँ, 28 वाला, ठीक है, ये सब आप करके देखोगे। अब 28 का देख लेते हैं सी, अब हम 28 का देखेंगे फैक्टर ऑफ 28, तो 28 के फैक्टर कौन से होंगे, 1, 2, 4, ठीक है, 1, 2, 4, हाँ वो अपने आप करोगे आप, बी और सी, बी और डी, 1, 2, 4, 4 के बाद कितने कटेगा, 7 से, ठीक है, 7 के बाद बताइए, बताइए 14 के बाद 28, ये फैक्टर होगा इसके। अब सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, तो इसको प्लस कर लेंगे तो क्या आ गया, 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7, 7 + 7 = 14, 14 + 4 = 20, 28 + 28 = 56, ठीक है। अब हम करेंगे इसका ट्वाइस, इस नंबर का ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ 28, तो 28 × 2 = 56, तो दोनों इक्वल आ गए, दोनों क्या हो गए इक्वल, तो 28 = 28, सो 28 is a perfect number, इसलिए क्या है परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, सभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप क्वेश्चन कर लो आगे, ए और सी मैंने बता दिया, बी और डी आपको करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इवन नंबर एज द सम ऑफ एनी टू ऑड प्राइम नंबर, इसमें ऑड भी हो और प्राइम नंबर भी हो, ठीक है, ये इवन नंबर्स दिए हुए हैं हमें सारे के सारे, इसको कैसे शो करना है, सम ऑफ एनी टू ऑड प्राइम नंबर। अब जैसे हमने 20 क्वेश्चन नंबर 2 का ए बता रहा हूं मैं आपको, ये क्या है 20, तो 20 का हम 20 का लेंगे, सम ऑफ ऑड भी हो और प्राइम भी हो, टू ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड भी हो और प्राइम भी हो, ठीक है, एक तो ले लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं 17, तो 3 + 17 कितना आ गया 20, ठीक है, ऑड भी हैं ये नंबर और प्राइम भी है, बी देख लीजिए, बी बी वाले में कितना है 84 देख लीजिए, 84 का क्या आ जाएगा, 84 का बताइए, अब 84 का आप लोग सेवेंटी नाइन और फाइव देखिए, 79 क्या है, ऑड भी है और प्राइम भी है, और 5 भी ऑड भी और प्राइम भी, और इनको प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 84, क्या जाएगा 84, ठीक है। इसका सी क्या है, सी है 180 का आप करेंगे, और डी 140, ये भी आप करेंगे दोनों के, 180 और 140 का इसी टाइप से करेंगे कि नंबर ऑड भी हो प्राइम भी हो और उनका सम क्या जाए ये नंबर 20, या ये 180, ठीक है, ऐसे नंबर। इसके बाद आया है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 और 20 के बीच में ग्रेटेस्ट नंबर
ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है 1 और 20 के बीच में, तो 1 और 20 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कितना है? 19। कितना है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर? 19। तो इसके बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लिख देंगे 19। ठीक है, इसके बाद है व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर्स, इसमें आप डिफाइन लिख देंगे इसकी। उनके बीच में डिफरेंस कितना हो? 2 का। तो इनके बीच में ट्विन प्राइम का पेयर लिख देंगे। कौन कौन है? 20 और 60 के बीच में, 20 और 60 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर्स लिख देंगे। ठीक है, किसके बीच में देखना है हमें? 20 और 60 के बीच में। एक तो है पेयर्स, कौन कौन से हैं वो पेयर्स? 29 और 31। देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों का है, और दूसरा पेयर कौन सा है? दूसरा पेयर बनेगा हमारा किसका? 41 और 43। देखिए ये प्राइम नंबर भी है, इनके बीच में क्या है डिफरेंस? 2 का। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। तो ये कैसे पेयर्स हो गए? ट्विन प्राइम। किसके बीच में है ये? ये है 20 और 60 के बीच में। ठीक है, फिर द नंबर 13 और 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव द सेम डिजिट 1 और 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ 31 अप टू 100। अब ये हमारे 13 और 31 है, जैसे 1 और 3, अब इसको रिवर्स कर दिया, 3 और 1 हो गया, 3 पहले आ गया और 1 बाद में आ गया, और ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। इसी टाइप के नंबर्स 100 तक के बताने हैं, 100 तक के इसी टाइप के कौन कौन से नंबर होंगे, कौन कौन से नंबर होंगे जो दो हर तरीके से प्राइम बने, जैसे 13 भी प्राइम था, 31 भी प्राइम हो गया। इसी टाइप से ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो रिवर्स करने पर जिनके डिजिट्स प्राइम नंबर बने। ठीक है, तो वो नंबर बता देंगे हैं भाई, वो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 17 और 71। कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? 17 और 71। एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? 37 और 73। ठीक है, नंबर हो जाएगा 79